Know the Anti Nationals is a book that is written by Colonel Arasen Singh, who is a defense expert and a former research and analysis a wing officer. Attended by journalist Pushpendra Kulshreshta, Major General G.D. Bakshi, Shashil Pandit and Professor Kapil Kumar. Republic TV gets you an exclusive details of the ideology and the thinking that went behind the making of this book. Know the Anti Nationalists, a book written by Colonel Arasen Singh who is a defence expert and a former research and analysis wing officer. The inaugural function of the book was attended by journalist Pushpendra, Major General GD Bakshi, Sushil Pandit and Professor Kapil Kumar. With a total of 52 topics and connecting 10 topics on Maoism, Colonel Arison Singh focuses on Jihadism, Maoists, Khalistanis and the impact of church in our nation over the last 15 years. जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी और इंटरनल सिक्योरिटी पे तो इंटरनल सिक्योरिटी पे जो चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं वो है जिहादिज्म जो कि पाक द्वारा स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान के द्वारा माओजम जिसका कहीं ना कहीं रूट्स जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ चर्च भी जुड़ चुका है और अभी आपने लेटेस्ट देखा कि कुछ एंटी सोशल खालिस्तानी एलिमेंट्स भी उसमें उस टेरर उस के साथ वो भी कन्वर्ज कर रहे हैं तो ये चार धाराएं जिहाद मावाद खालिस्तानी तत्व और चर्च ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही हैं इसका मैंने स्पेसिफ़िक इंस्टेंसेस दिया है पिछले पंद्रह साल से इसमें

भारत में बहुत पहले से थी लेकिन क्योंकि वो देश विरोधी थी और उनका नैरेटिव चल रहा था उनके चाहने वाले सत्ता में थे उनके चाहने वाले व्यवस्था में थे इसलिए इस सौ करोड़ सनातनी हिंदू समाज को ये पता ही नहीं चला कि हमारे देश में जो सरकारें बनती हैं जो सिस्टम में बैठे हुए पॉलिसी बनाते लोग हैं वो तमाम सारे लोग इस राष्ट्र के खिलाफ पॉलिसीज बना रहे थे इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडियन स्टेट वॉज अगेंस्ट द इंडियन नेशन लेकिन आज ये उथल पुथल क्यों है इसकी एक बड़ी वजह है कि सत्ता जब बदली तो सत्ता ने इस राष्ट्र के और देश के बीच में एक लाइन बनाई कि देश क्या है राष्ट्र क्या है तो जब राष्ट्र के प्रति सरकार काम करने लगी यानी जो एक इन्विजिबल सत्ता 1947 में आर्टिकल 370 के तहत थी इन्विजिबल सत्ता है इस देश में कि इस देश में 1995 में वफ प्रॉपर्टी एक्ट नाम का एक कानून पास हो गया है वो तो इतना डेक्रोन लॉ है कि सोच ही नहीं सकते asserting that jihadism and maoism are the two destructive storms pushpendra has said that they have to be crushed at an ideological and physical level rsn singh saab ne is kitab mein kul mila kar ke 52 topics liye hain और उसमें से दस टॉपिक माओवाद पे कनेक्ट करे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो वामपंथ है ये जो माओवाद है ये कैसे जिहाद के साथ मिक्स हुआ है और दोनों की खूनी एक एक जिसे कहने एक सिविलाइजेशन है एक, एक एक सोच है विचारधारा है इससे भारत के राष्ट्र के लोगों को कैसे कन्फ्रंट करना चाहिए इसमें सिर्फ मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं आपने जो किताब लिखी है सिंह साहब ने उसके पेज नंबर टू पर एक जिक्र है जो देश में बहुत बार चर्चा हुआ छब्बीस ग्यारह एंड हाईजेकिंग ऑफ इंडियाज वॉर रूम अब अगर आप इस टॉपिक को पढ़ें तो इसमें तथ्य है इसमें 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 कोई आर एस एन सिंह साहब का इंटरप्रिटेशन नहीं है 26 ग्यारह पाकिस्तान ने किया ये एक आम आदमी जानता है लेकिन क्या छब्बीस ग्यारह में भारत सरकार इन्वॉल्व थी कांग्रेस पार्टी का एक मिनिस्टर इन्वॉल्व था खुद दस जनपद की एक महिला की देखरेख में हुआ और अगर ये नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा खतरा जहां आईबी हो आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस हो आपकी होम मिनिस्ट्री भारत का गृह सचिव होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता व सिटिंग इन इस्लामाबाद जो भारत का ऐसे में वॉर रूम होता है जहाँ किसी किसी ऐसी अग, अग, सिचुएशन से लड़ने के लिए जो तैयारियां होती वो पूरा का पूरा अपरेटर आपका इस्लामाबाद में बैठा हुआ था और मैं सभी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि एक बार एक बार जरूर इस बुक को पढ़े नो द एंटी नेशनल ये ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आजकल जो देश विरोधी ताकतें हैं जो मुखर हो रही हैं और देश को चीट करने की कोशिश कर रही हैं वो इनसे उनको इससे जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी